ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दूसरी बात है, अगर समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखना। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, यहां की ट्रांसफर वहां करे, तो भी कल्याण है। ये टोटल गीता और रामायण का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। कई क्या करते हैं, कल का टेंशन करते हैं, मेरा आज का दिन अच्छा सफल करो, कल आपका बहुत अच्छा होगा। आज का दिन मेहनत करो, कल का टेंशन नहीं करो। इसलिए वर्तमान समय अच्छे कर्म करना। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, सब आपका कल्याण करने वाले हैं। एक रामायण की घटना आप लोगों को सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़कर के राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे, ये सब किसके कारण हुआ? मंथरा के कारण। तो मंथरा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, वो मंथरा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेकर के आती है। मैं कहता बुढ़िया को भगा, उसको नहीं देखना, राम को वनवा में भेजा, पता नहीं कहीं जहर देने के लिए तो नहीं जा रहे। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब पता चला मंथरा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बने वाला था? अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता तो सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता तो राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण है। यह है पॉजिटिव दृष्टिकोण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने एक दो मंत्रा रखी है, जो चुगली करते हैं, यहां की बातें वहां करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन आज का इंसान जो तंग है, ऐसी मंत्राओं से तंग है। राम की मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा आपका क्या करने वाली है? भला ही करने वाली है। इसलिए ऐसी मंत्रा को दुआई दो, बदुआई नहीं दो। कई कहते ये यहां से चली जाए बस, वो मंत्रा हंसती है हमें चुभता है, वो किसी से बात भी करते हमें चुभता है, क्योंकि हमने उस मंत्रा के प्रति निगेटिव सोचा है और यही समस्या है। इसलिए कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई चुगली करे, कुछ भी करे। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते, ये सब किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आज तक आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, ज्ञान मिला, किसके कारण? किसके कारण मिला? आज तक की मंत्राओं के कारण। अगर वो ऐसा ना करते तो यहां कहां आते? इसलिए आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, क्या करो, योग में बैठ करके उन सबको धन्यवाद दो, क्योंकि आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? इसलिए एक व्यक्ति के प्रति भी मन में निगेटिव नहीं रखो। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी मन में निगेटिव है, आपकी शांति भंग हो जाएगी, आप खुश में नहीं रह सकेंगे। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी।
मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। राम जब वनवास से आता है सबसे पहले कहां गया? कैके और मंत्रा के पास। सारे स्वागत के लिए खड़े हैं लेकिन वहां नहीं खड़ा रहा, सीधा कैके और मंत्रा के पास गया और कहा कि मां आप लोग मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरे को वनवास में भेजा था। वो क्या कहता है, नहीं मां आपके कारण मैं पुरुषोत्तम राम भगवान राम विजय राम बन के गए आपके कारण। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तो मेरे चुगली के दम दो थप्पड़ नहीं लगाई। ये है पॉजिटिव। लेकिन आज हम क्या करते, उसके साथ क्यों बात करें, उसने मेरी चुगली की, मेरी ट्रांसफर की, मेरे को ये किया, कितना निगेटिव भरा हुआ अंदर। इसलिए परिस्थिति को पॉजिटिव बनाओ और जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है व्यर्थों से मुक्त बनेगा। यह कारणों का निवारण। तो कारणों का निवारण करने के लिए हमें क्या करना है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी, मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, इस मंत्र को पक्का करना। क्योंकि बाबा ने आपके आसपास में जो भी लोग रखे हैं सब आपका कल्याण करने के लिए हैं, आपका अकल्याण करने वाला कोई नहीं। आज तक जिन्होंने जिन्होंने आपको परेशान किया ये सब परेशान नहीं किया आपको यहां लाने के लिए। अगर सास कोई तंग न करती, परेशान न करती, तो मंदिर में कैसे जाते, भक्ति कैसे करते? कोई माता को जो बहने बुलाती हैं क्या बोलते हैं, बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का, उस सास का धन्यवाद जिन्होंने तंग करके यहां भेजा और इसलिए बाबा मिला। इसलिए एक एक परिस्थिति व्यक्ति को महान बनाती है। यह पॉजिटिव सोच। इसलिए समस्याओं का समाधान करने के लिए, कारणों का निवारण करने के लिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी, इस मंत्र को पक्का करना।